रिस्की एरिया है वैसे ये, लैपर्ड्स पपर्ड्स पता नहीं कौन कौन से, एक इंसान को तो खा गए। एक और पैर पड़ा हुआ है, एक और पैर पड़ा हुआ है, एक और पैर पड़ा हुआ देख लो। मैं तो डंडा लेके आ गया। हेलो हेलो तो कर ले, हेलो 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 हेलो। ये थोड़े पक्के हैं ना, ये बिल्कुल हरा है जो। थैंक यू भैया, मेरी तबीयत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि तुम देख लो, एक तो कोट ही पहन रखा अंदर भाई हुड। सो अभी हम चिटकुक के बोर्ड पे खड़े हैं, यहाँ पर जितने भी बाइकर्स वगैरह आते हैं या ट्रेवल एजेंसी वो सब अपने यहाँ पर स्टिकर्स वगैरह लगा कर जाती है। इंडिया का लास्ट विलेज है चितकुल इसलिए। और भाई यहाँ से व्यू तो तुम लोग देख ही सकते हो, ये सतलुज नदी बह रही है साइड में। सो गाइस देख सकते हो ना, इंडिया का लास्ट विलेज चितकुल पे इस टाइम हम खड़े हैं। कल रात यहीं स्टे करा था और भाई रास्ता इतना बुरा था कि भाई नीचे खाई, रिवर भी सब कुछ था, बट फिर भी कल स्टे करने के बाद आज चितकुल से जा रहे हैं उसके साइट सीन्स वगैरह कवर करने के लिए। और बाकी यार व्यू तो देख ही सकते हो यार, सतलुज नदी। निकलने का टाइम यहाँ तो हो चुका है, फोटोग्राफी कंप्लीट। चलो Is this what giving up feels like? I don't know, tell me have I lost my mind, nowhere to go, so far from home, is this what giving up feels like? I don't know, tell me have I lost my mind, so I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. तो गाइस अभी हम लोग किन्नौर में रुके हुए हैं, कुछ खा पी लेते हैं। और ये डे फोर हो रहा है अपना यहाँ पर, डे फोर है ना अपना, फाइव है। और अभी हम चितकुल से वापसी आ रहे हैं, बीच में किन्नौर पड़ा है तो हम खाने की कुछ सोचते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। No, I'm not giving in. No, I'm not giving in. चलो भाई खाना वाना खाते चल के यार। गाइस अभी हम जा रहे हैं किन्नौर के ढाबे पे और बस ये हम अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो अभी हम टाउ मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं और बीच में एक रेस्ट लिया थोड़ी देर से, क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही थी। तो गाइस ये वाले जो तुम लोगों को पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये वाले पहाड़ ये हवा से ही बने हैं, और जब चांद आता है ना ऊपर तो पूरा जो चांद है ना उसकी रोशनी होती है इसमें से रिफ्लेक्ट मारती है। देखो ये वाले पहाड़ तुम लोगों को दिख रहे हो, मैं एक सेकेंड जूम करके दिखाता हूँ। तो भाई चलो यार अब चलते हैं, दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं जब से, चलो सीधा टाउ मोनेस्ट्री निकलते हैं भाई। भाई ऑक्सीजन लेवल, भाई हम लोग ग्यू मोनेस्ट्री गए थे, वहाँ पर रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो केवल दो ही गेस्ट हाउस थे वहाँ पर, और दोनों गेस्ट हाउस एकदम फुल थे जिस वजह से हमें रूम वगैरह तो मिले नहीं। तो फिर हम लोगों ने भाई 30 किलोमीटर सोचा, भाई पूरी रात हो गई थी, हमने सोचा चलो टाबो चलते हैं, टाबो में तो होटल्स वगैरह मिलेंगे। पर टाबो में आए, मेरी तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि तुम देख लो, एक तो कोट ही पहन रखा अंदर भाई हुड, उसके अंदर इनर। पर भाई फाइनली हमें होटल तो मिल गया, बट वहाँ खाना पूरे टाबों में कहीं भी खाना नहीं था। खाने के लिए हम इतनी देर से भटक रहे थे, तब जाकर एक डेस्टिनेशन हमें कुछ मिली है। जो भी जो ये बोल रहे हैं कि रोटी हम आपको दो ही प्रोवाइड कर पाएंगे एक बंदे को, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर गैस सिलेंडर का मतलब बहुत ज़्यादा इशू है। चलो ठीक है, अब एक बार तुम लोगों को अंदर का व्यू दिखा देता हूँ, जहाँ हमने मतलब जो इसने हमें खाना वाना प्रोवाइड करा है। होटल हमारा आ गया है, बाकी चलते हैं अंदर, इतनी ठंड में भी बाहर शूट कर रहा हूँ। मूवी चल रही है,
यहाँ पे हमें दे दिया खाना वगैरह, यही तो है, ये यहाँ पाए जाते हैं भाई। यहाँ पे देखो इनकी पेंटिंग्स लग रही है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये मिलते हैं स्नो लेपर्ड्स। देख लो यहाँ पर खाना बन रहा है हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। गाइस गियू मॉनेस्ट्री तो कोई भी, मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, गियू मॉनेस्ट्री अगर कोई जाता है तो वहाँ पर दो ही गेस्ट हाउस हैं और उनमें भी रूम बुक करके जाना, अदरवाइज आप लोग गियू मॉनेस्ट्री देख नहीं पाएंगे। हमारा तो स्किप हो गया गियू मॉनेस्ट्री, वो तो सही है भाई, 30 किलोमीटर का डिफरेंस था। हम तो टाबो आ गए, यहाँ पर टाबो की भी बहुत बड़ी एक मड मॉनेस्ट्री है, कल सुबह हम उसको विजिट करेंगे। अभी फिलहाल मैं जाता हूँ यार, थोड़ा खावा लेता हूँ, ठीक है। कल रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर होटल में खाना वगैरह खाने के बाद तो ब्लॉग कुछ बनाया ही नहीं, सीधा सोने चला गया था मैं। एंड अभी टाबो में है इस टाइम हम, और यहाँ की सुबह तुम लोग देख ही सकते हो। टाबो में भाई पहाड़ अलग लेवल के हैं, यहाँ पे ना स्नो वाले माउंटेन्स हैं ना कुछ और, यहाँ पे भाई अलग ही लेवल हैंगे, देख सकते हो तुम लोग। कल रात भाई टाबो में एकदम खाना ही नहीं मिला, हम लोग भाई चारों तरफ घूम रहे तब जाके एक पॉइंट पे हमें जाके खाना मिला। अभी बस हम यहाँ से टाबो मॉनेस्ट्री देखने के लिए जाएंगे, जैसे सब लोग मतलब फ्रेश वगैरह होके बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे धूप ज़्यादा हो रही थी तो हमने सोचा चलो यार, वैसे ही -3 या 4 डिग्री रात में टेम्परेचर चला गया था, रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी और यहाँ पे हीटर भी नहीं था, हीटर भी प्रोवाइड नहीं हुए। अभी हम टाबो मॉनेस्ट्री जाएंगे और वहाँ पर सुनने में आया कि कोई मम्मी वगैरह है मड हाउस में, तो मम्मी देखने के बाद हम यहाँ से काजा की तरफ निकलेंगे सीधा। काजा पहुँच के हम 2-3 दिन का शायद स्टॉप लेने वाले हैं, पर भाई इस टाइम हम लोग पहाड़ों के एकदम मिड में खड़े हैं, बिल्कुल मिड में, और सुनने में आ रहा भाई -20 तक टेम्परेचर जा रहा है अब यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है ठंड के बारे। बट ये भी है यहाँ की ठंड अगर है तो धूप भी बहुत तेज़ है। पर तुम लोगों को मैं एक बात मैंने रात में ही बताई थी कि भाई अगर तुम लोग गियू मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर केवल 2 ही होटल्स हैं। गियू मॉनेस्ट्री में तो बस 2 ही होटल है ना, वो भी भाई बुक रहते हैं, वो भी पुरानी एक नई बनी है। हाँ वो भी भाई बुक रहते हैं, तुम लोग पहले से ही बुक मार के जाना, अदरवाइज तुम लोगों को रूम्स नहीं मिलेंगे और हमारी तरफ भाई रात में घूमते रहोगे इधर उधर, तब जाके हम लोग तो 30 किलोमीटर टाबो की तरफ निकल गए रात में ही, तब जाके हमें यहाँ स्टे फिर भी मिल गया। हाँ रात में हमें रेड फॉक्स भी दिखा बट कैमरा ऑन ही नहीं था, और यहाँ तो लाइट देखते हो भाग जाते हैं ना। तो अभी सीधा चलते हैं अंदर और देखते हैं वो लोग फ्रेश वगैरह हुए या नहीं हुए। हम लोग तो वही फटाफट से सुबह हो गए क्योंकि रात में मैंने बताया ना तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ज़्यादा जल्दी सो गए थे। यहाँ देखो सामान सारा बिखरा पड़ा है अभी। अब ठीक है तू? अब एकदम फिट हो गया भाई, रात में तबीयत खराब हो गई थी, आज सुबह फ्रेश होने गया क्या। तो अभी हम लोग सेब मांग के लाए हैं उधारी पे, उधारी पे। और यहाँ देखो झूला झूला जा रहा है अभी, इतनी तगड़ी धूप, पहाड़ और झूले वाली वाइफ, प्लस सेब मीठा मीठा। अरे बच जाएगा। तो चलो सीधा बने स्ट्रीट, टाटा। तो अभी हम लोग टाबो मॉनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। टाबो में 2 मॉनेस्ट्री हैं, एक ओल्ड मॉनेस्ट्री है, एक शायद नई मॉनेस्ट्री है। गाइस तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सेब के पेड़ भी हैं काफी सारे, पर तोड़ना नहीं है इन्हें। ये अभी हम ओल्ड मॉनेस्ट्री की तरफ हैं और कुछ ऐसा बन रखा है बाहर की तरफ, और ये बड़ा सा कुछ बना रखा है ना, ये देख रहे हो, ये वही चीज है जो सब लोग रील्स वगैरह बनवाते हैं इन पे, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ बाहर का व्यू।
टाबो ओल्ड मोनेस्ट्री। भाई साहब कितना अल्टीमेट लग रहा है, पहाड़ों के बीच में होना रखा है कुछ। अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बाहर का व्यू है, यहाँ से अंदर कुछ मम्मी वगैरह आएंगे, मतलब कहते हैं ना इंसान को शीशे में बंद कर देते हैं मरने के बाद, समथिंग लाइक दैट भाई। चलो अब सीधा चलते हैं ओल्ड मोनेस्ट्री के अंदर। अभी मैंने तुम लोगों को बाहर का व्यू दिखाई दिया था, एप्पल ट्री ये रे, और बाहर का व्यू जो था उसमें वो जो बंद रखा था वो बोरा, हमें नहीं पता वो क्या है। ये कुछ गेस्ट हाउस समथिंग है यहाँ पर, यहाँ सब लोग फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे हैं। अब चल रहे हैं हम यहाँ से सीधा अंदर टाबो मोनेस्ट्री। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना टाबो मोनेस्ट्री। गाइस देखो ये वही है जिस पर सब लोग रील्स वगैरह बना रहे हैं। चलो आ जाओ भाई अंदर चल रहे। तो गाइस ये है टाबो की ओल्ड मोनेस्ट्री। सब कुछ यहाँ पर मड का बना हुआ है, मड मतलब मिट्टी का बना हुआ है यहाँ पर सब कुछ, मिट्टी और वुडन से। इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। गाइस यहाँ पर पुरानी आर्किटेक्ट है पूरी, मतलब ये देखो यहाँ पर एक कमरा दिखा मुझे, नहीं अंदर कोई दिखेगा भी या नहीं। ओहो रात में यहाँ पर कोई आता होगा। ओहो भाई सब कुछ मिट्टी से बना रखे, चट्टाने वगैरह यहाँ पर एक नहीं काफी सारी चीजें बना रखी मिट्टी से। यहाँ पर एक और कमरा है। अभी हम लोग दूसरी साइड थे, अब हम लोग दूसरी साइड आ गए। ये मुझे लग रहा है सोने वोने से बना रखा, देखा ये मुझे सोने वोने से बना दिख रहा है। हाँ देखो यहाँ पर कुछ जाल सा जा रहा है, अंदर बहुत गहरा कुआं। भाई यहाँ सब लोग बोल रहे हैं 1200 साल पहले की बनी हुई है, और मिट्टी भाई तब से टिकी हुई कैसे हो सकती है। अभी हम लोग बाहर की तरफ, हम लोगों ने पूरा राउंड ले लिया है, अब सीधा अंदर जाएंगे, देखेंगे अंदर फोन अलो होगा तो तुम सबको भी दिखा देंगे अंदर क्या है। तो चलो सीधा चलते हैं अंदर। गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके शेर खांग द गोल्डन टेम्पल, अंदर की तरफ शायद गोल्डन टेम्पल वगैरह समथिंग कुछ है। तो अभी मोनेस्ट्री के अंदर से आ गए, जैसा कि तुम लोगों ने देखा था अंदर कैमरा बंद करवा दिया था, तो हम लोगों ने अंदर शूट नहीं करा। काफी सारी चीजें यहाँ पे। मुझे लग रहा है इसके अंदर भी देखो लिख रखा है इन लोगों ने कि कैमरेज वगैरह अलाउड नहीं है। लोगों ने जूते वगैरह उतार दिए। ये है जलमा द पिक्चर ट्रेजरी, कैमरा वैमरा सब मना कर रखा है। कुछ ऐसा एंट्रेंस है। गाइस कैमरा यहाँ पर अलो नहीं है, पर यहाँ कोई है नहीं तो हम शूट कर सकते हैं। अंदर बहुत सारे लोग हैं, छुपा के शूट कर रहा हूँ अंधेरा काफी। लोग एक जगह से आ गए उस साइड से, अब इस साइड जा रहे हैं। ये जगह है रामस्टोन खाल कैंपो। हम लोग अभी अंदर गए थे, अंदर कुछ ऐसा व्यू था। एक मेन बुद्धा थे जो काफी सारे, मतलब चार बुद्धा, मतलब चार मुंह बन रखे थे उनके समथिंग, ठीक है। और अंदर काफ़ी सारे ग्रंथ रखे हुए थे, जिसे बोल सकते हैं किताबें वगैरह समथिंग। तो हम लोग तो भाई ये चीज़ सोच रहे थे कि जैसे वो जो ग्रंथ वगैरह रखे हुए थे, हमें लगे खजाने वाला मैप होगा, तो हम लोग एक वहाँ से उठा लेते हैं। तो हम यहाँ टोटल 7 बंदे आए हुए हैं। अदर पता है हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, वो जो ग्रंथ रखे हुए थे ना, हम लोग बोल रहे थे खजाने का मैप होगा, हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम 7 बंदे हैं, एक बंदा जाएगा खजाने तक, उसको मार देगा, फिर दूसरा पहुंचेगा, 7 मर जाएंगे, हम सारे भी दफन हो जाएंगे, खजाना भी दफन रहेगा, हमारा ग्रंथ यहाँ आ जाएगा। चलो यहाँ पर बजाएंगे हम घंटा, टन करते हैं ओल्ड मोनेस्ट्री से एग्जिट। भाई केव पे तो चल लो, केव है, मिल गई केव। रास्ता सीधा केव की तरफ जा रहा है। उस वाली मोनेस्ट्री हम कवर करके आ चुके हैं, और यहाँ भाई तुम लोग ये देख रहे हो कि सबों के हाथ में रुद्राक्ष है। और ये देखो पेंटिंग भी ये लोग खुद ही कर लेते हैं अपने घरों में, पेंट वगैरह सब चीज की अवेलेबिलिटी है। भाई देखो क्या कर रहे हैं भाई, तो रिंग्स वगैरह बना रहे हैं। मुझे देख के हंसने और लगे।
पर केव के अंदर होगा क्या? चले जाओ बनाओ व्लॉग। पहले चलो फोन ऑन नहीं, रब हट जा, चल जा जाके देखते हैं, ज्यादा ऊपर होगा तो नहीं जाएंगे भाई। ये पहाड़ी बहुत दूर है, वो जो गुफा दिख रही है ऊपर सबसे टॉप पे। केव के अंदर क्या है? ये केव के अंदर, केव के अंदर भी वो मूर्ति वगैरह है जी, उसमें कैसे जाएंगे रास्ता? वैसे वहाँ रोड में चढ़ जाए, रोड से वो पता लग जाएगा वहाँ। लेपर्ड वगैरह भी है क्या? हाँ जी, पैदल जाना पड़ेगा। लेपर्ड वगैरह है? लेपर्ड वगैरह, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड नहीं है। रातों में तो बाहर निकलता ही नहीं है स्नो लेपर्ड की वजह से। चलना है या नहीं चलना? नहीं चलना, बहुत दूर होगा। हमें पास आते रहेंगे, ऊपर जाता रहेगा। चलो फिर, चलो फिर, चलो तुम्हें तो डंडा लेके आ गया। हेलो हेलो तो कर ले, हेलो 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 सच हेलो। शरारती ये अपने मूड है तो फिर अच्छा देगा, मूड नहीं तो ये हाँ ये डंडी ला, ये डंडी देखा हूँ सर, डंडी ले जाओ, ये ले अपनी डंडी ले ले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले। हेलो तो कर पहले, हेलो कर, हेलो 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 कर, हेलो हेलो हेलो। यहाँ पर क्यों ले? SBI ATM है बस, कोई भी आओ SBI कार्ड के साथ ले जाओ, कभी कैश की कमी नहीं पड़ेगी। बैंक नहीं है, ATM है, सॉरी। ये न्यू मॉनेस्ट्री है, ओल्ड थी, ये नई है। तो चलो चलो भाई, इसके अंदर भी लेते हैं एंट्री। ये तो वही जगह है, यहाँ से अभी हम आए थे। चलो, व्यू छूट गया, केव छूट गई, पर कोई नहीं यार, इतना लंबा ट्रैक करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसको देखो, अच्छा ये वही है। तो हाथ फिर भी नहीं मिलाया उसने। सो गाइस, कल रात हम लोगों ने मैगी मंगाई, इतनी सारी मैगी बची है। अब इतनी सारी बची है तो यार सोच रहे थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि मैगी कैसी हो रही है। तो आगे देखते हैं, देखना मैगी कैसी लग रही है भाई। मैगी ये वाली मैगी तो हम खा नहीं पाएंगे, तो यहाँ से चलते हैं बाहर, कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे चल के। तो चलो गाइस, टाबो अपन लोगों ने पूरा घूम लिया, मॉनेस्ट्री वगैरह एंड केव में गए नहीं, जियो छूट गया है, कोई बात नहीं, पर अब सब चीज कवर करते हुए चलेंगे। अब सीधा निकलना अपने को कासा, तो सीधा कासा निकलते गाइस। स्नो लेपर्ड जैसा लग रहा ना, नहीं 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 नहीं, अपन जा रहे हैं सेब खाने के लिए। यार पता है, पहले ये दो जो लोग चले गए थे, इन लोगों को ना ऐसी सेब दे दिए थे, तो हम लोग भी एक बार ट्राई करने जा रहे हैं कि अब तक हमें भी ऐसी सेब मिल जाए। तो देखो पहले ये दोनों जा रहे हैं, देखो भाई इस पे लिखा है स्पीति एप्पल टाबो, फ्रेश एप्पल है एकदम। ये सफ़ेद एप्पल भी है, देखो भाई यहाँ से एप्पल्स की पूरी पैकिंग वगैरह होती है। यार सफ़ेद लाल ही देखे थे हमने तो सेब। ये कच्चे हैं क्या भाई? ये कच्चे हो रहे हैं क्या? ये कलर अलग है ना, गोल्डन है, गोल्डन। अच्छा अगर पूरा गोदाम से आते हैं अपन,
पूरा गोदाम बना रखा है इन लोगों ने। गोल्डन एप्पल्स हैं गाइस, हम लोगों ने रेड ही खाए हैं अभी तक। चलो आ जाओ गाइस चलते। पूरी पेटी तो नहीं ले पाई है और हमको टेस्ट के लिए चाहिए है कट किलो थोड़ा तीन लोग मिलेगा हम ऐसे ले लो खाने के लिए एक एक बाकी वैसे नहीं देखते फिर पेटी जाएगी फिर तो टेस्ट करा दीजिए दोगे आप इसमें से ले कोई भी ले लो इसमें से ले लो भाई ओ भैया ने टेस्ट कराने के लिए दे दिया ये भैया ने हमको टेस्ट कराने के लिए दिया है गाइस पेटी कौन लेगा पेटी कौन यार थैंक यू भैया यहाँ पे इसी चीज की फार्मिंग है ना इसलिए भैया बुला रहे हैं और फिर देंगे लगता है ये थोड़े पके हैं ना ये बिल्कुल हरा है जो थैंक यू भैया थैंक यू बहुत सारे से मिल गए मुझे मैं उनको अच्छा लग गया लगता हूँ मुझे तो बहुत सारे से मिल गए ओ भाई भाई देख रहे हो तुम्हारे भाई की बातचीत मुझे तो बहुत सारे सेब दे दिए भाई ओए सैफुल देख सेब लो भाई अब मैं सबको एक एक सेब दे दूंगा सबको दूंगा और राजन को भी दे राजन को दे राजन सेब खा के देखते ही तबीयत हरी हो जाएगी एक सेब खा के देख तेरी तबीयत हरी हो जाएगी एक बाइट में कोई भी नहीं बैठा डर के मारे देख रहे हो मेरा खौफ इतना चलता अगर आप रात में आओगे ना तो आपको भी लेपर्ड खा जाएगा और लेपर्ड सबसे पहले गड्ढा करेगा तुम्हें उसमें गाड़ देगा और तुम्हारी एक निशानी ऊपर छोड़ देगा लग गई यार रख दो यार ब्लॉक को यार।